हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेमदा क्लासेस। आज देखमा यूनिट डिजिट आरिथमेटिक रो गुटे जे चैप्टर थिबो बुझला त मैथ्रो आ एई चैप्टर रो क्वेश्चंस ओ डबल एस सी ओ ट्रिपल एस सी जेना कि एखन आर आई हेबा पीओ हेबा से सब माने से सब एग्जाम से तुमके यार क्वेश्चन देखबार के मिलबा। ठीक अछि त एसएससी आगु सब क्वेश्चन पचारथला एखन रेयर केबे केना क्वेश्चन पचारे नेले पचारे भी नै। ठीक अच्छे बाकी ओडिशा गवर्नमेंट एग्जाम्स दब तो एतार क्वेश्चन आसवा ही आसवा ना मान ही चलो एखे जितकी भी क्वेश्चन मैंने एग्जाम जाइए तुम्हें सब क्वेश्चन जो आनालीसीस करब जो देख तो यूनिट डिजिट चैप्टर क्वेश्चन तुमको सब सिफ्ट गोटे गोटे मिलवा बहुत इजी था बेसी हार्ड नहीं था। बाकी जदि आसूँ तो तार आम पूरा डिटेल्स देखमा हाई लेवल तक भी गले के दूरिया तक जी तु अधिका जाए ना तो पूरा डिटेल्स देखीदम चैप्टर अच्छी बेसी बड़ चैप्टर ना ध्यान से देख सरी जा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट माने हला एकक घर संख्या। यूनिट डिजिट माने हला एकक घर संख्या जहाँ भी गोटे नंबर था जहाँ भी नंबर थी यूनिट प्लेस माने एकक घर संख्याटा किए हेबा एटा ही देखवार दिबा यूनिट डिजिट माने हला। यूनिट डिजिट हेबार आगु आम एटा भी तो जानि दउ कि डिजिट्स माने डिजिट्स हला जेनटा कि अंक आम जेनटा पढ़ीचु ना ओडिया मीडियम रे अंक ताके ही कहा जाए डिजिट। डिजिट किए थे शून एक दुई तीन चार पाँच छ सात आठ आउ नौ मैंने मैथ्रे तुम्हें जहाँ भी डिजिट्स यूज करुछो यांके नहीं कि नंबर बनुछ बुझे लगे ये डिजिट्स यहाँ के नहीं कि ही सब नंबर बना हुए जितकी भी तुम दुनिया रो नंबर देख भितर ये डिजिट्स मैंने ही थे ये देख जो नंबर भी कहल तो यूनिट डिजिट के कहवा मन कर मुझे गोटे एग्जांपल देख ली थ्री टू फोर सिक्स नाइन एट गोटे नंबर लिखाला नंबर लिखाला कह यूनिट डिजिट बताओ यूनिट डिजिट के तो तुम कह कि आठटा यूनिट डिजिट होगा मैंने एकक घर संख्या किए ये पचरा हो आठटा एकक घर संख्या होगा तो ये बाकी मानक सागर किसी काम नहीं मैंने जेनता कि थ्री टू फोर सिक्स नाइन यांकर किसी भी काम नहीं ये खाली काम है तुम खोजार कि यूनिट डिजिट किए मैंने एकक घर संख्या किए है तो फास्ट स्टार्ट करमा मैं एडिशन रू स्टार्ट करूँ जदि किसी भी लंबा लंबा एक्सप्रेसन दिखाई बहुत बड़ बड़ संख्या दिखाई थी एड करके बताओ आर आई भी क्वेश्चन आसी जेनटा कि तार आगु जेन आर आई एग्जाम जाइला तो आर आई एग्जाम देख से एक घर संख्या मागी लेकिन जेनता कि ओ डबल एस सी रहा सी जी एल से भी यूनिट डिजिट मागी आउ कि ओपीएससी एसओ अच्छी से यूनिट डिजिट क्वेश्चन अच्छे तो ओडिशा गवर्नमेंट रितक भी क्वेश्चन देखु सब यूनिट डिजिट अच्छी गोटे गोटे है तो बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी था आम टे लेवल के टी ऊपर के करके जी कहीं कि बेसी दूरिया भी गले ना से आम क्वेश्चन फसी जावा कथा है तो देख जदि फास्ट आम देखा एडिशन वाला क्लेस जितक भी प्लस वाला केस आम देखा फास्ट बुझल तो जितकी भी एडिशन केस आम देखा फास्ट तुम्हें दुई तीन टाइम एग्जाम्पल हिसाब से बताऊँ जल्दी जल्दी सारी देमा चैप्टर है कि नहीं नेक्स्ट भिड आउ गए आसवा जेनटा कि प्रिवियस क्वेश्चन जहाँ भी अच्छे तो यूनिट डिजिटर जैक एका थोड़े डिस्कस करदेमा तो सरीगला चैप्टर है यथर एंता ही तुमको भिड मिलते जी मैंने सब बेले गोटे गोटे चैप्टर देखे नहीं चल गोटे गोटे मझे मझे क्वेश्चन करेमा मैंने प्रिवियस क्वेश्चन सेट्स पूरा करेमा जेनटू भी तुम्हें जापार कि हाँ क्या के पढ़वार अच्छे केंडा स्किप करार अच्छे सब जिन पढ़ी चलने भी तो नहीं हुए ना कि जिन छाड़बार के पड़ा जेनटा इंपोर्टेंस अच्छे ताकि बेस ध्यान दियो जेना इंपोर्टेंस ना टाइम वेस्ट करो ना बेकार देख स्टार्ट कर एडिशन जदि आम करमा तो जब मन कर मुझे कहली कि फोर्टी थ्री प्लस नाइंटी सिक्स प्लस सेवेन्टी एट प्लस वन जीरो टू जदि एना लिखाला आउ कह कि एक घर संख्या बताओ कह एक घर संख्याटा बताओ कह तो एक घर संख्या जदि बताओ कहला तुम ये जितेबाला तुम यही सब एडिशन दिया हुए तुम्हें छुआ बेलू ही कितना लिखु था कि ताके यहाँ करके लिख कि फोर्टी थ्री तार तले फेर नाइंटी सिक्स तार तले फेर सेवेन्टी एट आउ तार तले लिख वन जीरो टू एना करके एड करा हुए ना यही हिसाब से एड करा हुए कि नहीं ही एड करा हुए ना तो देख एना एड कराला बेले मत एकक घर संख्या ही दरकार हाथ टे डिटेल्स बुझ जाओ आ यूनिट डिजिट रखना तुम बिल्कुल हालाकर नियो ना यूनिट डिजिट गोटे एंता चैप्टर जेनटा कि तुम मैथ्र स्पीड के बढ़ेगा बुझिपार आंसर बाहर करवार लगे यूनिट डिजिट बहुत हेल्पफुल थाए है तो जितेबाला क्वेश्चन सेट मुझे करी देख यूनिट डिजिट्र मैक्सीम यूज आसा यूनिट डिजिट्र
यूनिट डिजिट एप्रोक्सीमेशन करेबारे यूज कराए जेनटा कि तुम ऑप्शन के जो एलिमिनेट करुच से तुम यूनिट डिजिट पूरा काम करवा बुझे कि तो या के बिल्कुल काम चली नुहे यूनिट डिजिट अप्लाय कर शिख सबू जगार है देख मत सब एड करवा थी तो तुम कह कि छः तीन नौ नौ आठ सतर सतर दी मिसिक के उन्नीस तो वन आउ नाइन आसला तापे तुम्हें कह ना छ नौ ए दस चार चौदह चौदह चार मिसिकी एक आसवा थ्री तो तुम एड कले थ्री वन नाइन एंता ही आसवा ना तो तुम एड करबारे ना ये सब दरकार ना तुम तो काम अच्छी खाली नाइन खाली अच्छी नाइन रहा तो देख मुई नाइन बाहर करवार लगे ना मतलब समस्त के एड करवार के पढ़वार नाइन दरकार नहीं बुझार लगे मतलब बताओ तो ये दस घर संख्या ये मान के सब मिसेबार किसी कि ये सब मिसेबार तो किसी दरकार नहीं थे एक घर संख्या तो मोर एठू मिसेकी बाहरी गल ना मैंने एकक घर संख्या मान के सब मिसेकी मैंने तीन छः आठ आउ दुई यांके मिसेकी ही मोर एकक घर संख्या बाहरी गला मैंने हेबा के छ तीन नौ नौ आठ छ तीन हो गला नौ नौ आठ हो गला सतर और सतर दुई मिसिकी गला उन्नीस उन्नीस जदि लिखबी तो एक हाथ में रही तुम लिख ना नौ आसी जावा नौ आसवा कि नहीं आसे तो ये यूनिट डिजिट के खाली नाइन हो गला तुम यूनिट डिजिट तो जब भी एडिशन करवा था पूरा नंबर टाके एड नहीं करी तुम्हें खाली यूनिट डिजिट मान के एड करी करी चलो एति रे तुम्हारा आंसर बाहर जावा बाकी यार टू भी आहरी आम स्पीड जीमा ठीक अच्छे तो यार टू आउ स्पीड जीमा आउ स्पीड के जीमा देख जो एना कहाई थी तो आम कौन करमा कि खाली छः आउ तीन मिसिकी तो न कली आउ नौ आठ करना सतर जेन हो तो मुझे सात एक टाके भी धरे नहीं आओ कहीं मोर एक घरे खाली काम अच्छे तुम्हें खाली सात लिखले सात दुई मिसिकी गला नौ सात दुई मिसिकी गला नौ आउ देखो डायरेक्ट आंसर बल मुझे नंबर के टू डिजिट्स वाला बनबार के ही दिए ना कहीं डिजिट्स जो कहुची यूनिट डिजिट कहुची तो सिंगल डिजिट रे जीवार कथा डबल डिजिट रे आसवा कहीं जब तो मत टू डिजिट्स आसला वन नाइन दुईटा डिजिट आसला मुझे खाली सिंगल डिजिट नहीं चलबी मत दरकार यूनिट डिजिट खाली नाइन ले बुझिपारे कि नहीं है आउ गोटे क्वेश्चन करूँ स्पीड करूँ तर मल्टीप्लिकेशन जीमा है तो ये जो मन कर मत दिता वन नाइन थ्री सिक्स प्लस फोर एटी नाइन प्लस सेवेन टू सेवेन ट्वेंटी फाइव प्लस एट एटी एट किसी दिता कहता कि बाहर करके बताओ कि तार यूनिट डिजिट के तुम्हें क्या करती नौ छः पंद्रह तो पाँच आसला पाँच पाँच दस पाँच आसला सरी पाँच पाँच दस मैंने शून आसला पाँच पाँच दस मैंने के जीरो पाँच पाँच दस शून आसला शून रे आठ मिसिकी आठ आसला तो ये तुम आंसर किए बा आठ तुम आंसर है जेनटा कि यूनिट डिजिट के आठ हो तो कैलकुलेशन टे देखु केत भूल हबार भी चांसेस टिके टिके था कैलकुलेशन हल्का टिके ध्यान दे दिए और जेनटा भी रंग आसीगला कमेंट सेक्शन में बतेब कि रंग अच्छे बोल ठीक अच्छे तो ये तार आगे देखमा जब मुझे कहूँ कि एडिशन हो पारे तो मल्टीप्लिकेसन भी हो पार्थ्वा कथ हिसाब से तो मल्टीप्लाय करमा एखे आम मल्टीप्लिकेसन देखम जदि बहुत बहुत बड़ नंबर मान के ना मल्टीप्लाय कर दिखाई मन कर मत कहला कि सेवेन थाउजेंड टू हंड्रेड नाइंटी सिक्स इंटु फोर थर्टी नाइन इंटु सेवेन्टी फाइव सेवेन्टी फाइव नहीं सेवेन्टी सेवेन नाइन हंड्रेड थर्टी सिक्स एना कहला कहवा कि आंसर बत के आंसर बताओ ना कहे कह जहाँ भी आंसर आसवा यूनिट प्लेस रे केन डिजिट रहा यूनिट प्लेस रे जेन डिजिट रहा ना तार भैल्यूटा बतई दि तो ये मतलब कौन करवा मतलब सब नंबर के प्रोडक्ट करवा नहीं एडिशन आम जानला ना एडिशन आम कौन जानला खाली यूनिट डिजिट मान के नहीं कले ही तो आंसर बाहरी जाऊला खाली यूनिट डिजिट मान के नहीं कले आंसर होता कि नहीं होता तो ये भी सेम यूनिट डिजिट मान के खाली नेबी तार मैंने ये मुझे छः नी नौ नेबी नेबी सेवेन आठ नेबी सिक्स और मल्टीप्लाय कर देखे तो मल्टीप्लाय करूँ नौ छक के चौवन तो फिफ्टी फोर ना मत खाली फोर नेबार अच्छे फाइव के तो नेबार नहीं तापर ये सात चौ हाँ कैसे अठाईस तो मत का नेबार अच्छे खाली एट के नेबार अच्छे टू नाइन आठ छक अड़चाश तो आठ चार के नेबार नहीं आठ नेबार अच्छे तुम फाइनाल आंसर किए एट मोर आंसर है बुझीप कम कर यूनिट डिजिट
ତମେ ତକେ ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ ଯଦି କରବାର ଲାଗି ଚାହିଁବା, ଯଦି ସ୍ପିଡ୍ ଲେଖବାର ଲାଗି ଚାହିଁବା, ତମେ କହିବ କି ନଅ ଚକ ଚଉବନ ତ ଖାଲି ଚାରି, ପାଞ୍ଚ ଅଠେଇଶ ମାନେ ଆସିଲା ଆଠ, ଆଠ ଛକ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଆଠ, ଆଉ ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ ହେଇଗଲା ଏଇଟ ତୁମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା ହେଲା? ତ ଦେଖ ଇଏ ତ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ ସିମ୍ପଲ, ଯଦି ନମ୍ବରରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଦିଆହେଲା କି ନମ୍ବରରେ ଏଡ଼ିସନ ଦିଆହେଲା, ତୁମେ ମାନିକି ଚାଲ ସବୁବେଳେ ନମ୍ବରରେ ଏଡ଼ିସନ ଆଉ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ସବଟ୍ରାକ୍ସନ ବହୁତ ରେୟାର ଥାଏ, ଆଉ ସବଟ୍ରାକ୍ସନ କେନ୍ତା ବି ହେବା। ଏତାର ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେଉଁଟାରେ କି ଯେତିକି ବି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଛି 2010 ପରେ ପରେ ଅପ୍ ଟୁ 2023 ତକ ହେଲା କି, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣିବି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କେ ଡିସକସ୍ କରେଇବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏତାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା। ଆଜି ଦେଖୁ ଖାଲି ଆଜି ବେସିକ ଦେଖିକି ଚାଲୁ କି ୟୁନିଟ ଡିଜିଟ ମାନେ କ'ଣ, କେନ୍ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର କନସେପ୍ଟ ଥାଏ ୟାର ଭିତରେ ହେଲା। ତ ତ ତମେ ଏଇଠି ନା ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ବତାଉଛି ଶୁଣ, ଏଇଟା ବି ତ ଜାଣିଥିବ ତମେ, ଫାଇଭ ଯଦି କେବେ ବି ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା, ଫାଇଭ ଯଦି କେବେ ବି ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା, ତ ତମେ ଜାଣିଥାଅ ତାର ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁବେଳେ ଜିରୋ ଫର୍ମ ବା କେତେ ଫର୍ମ ବା ଜିରୋ ଆସ ହେଲା। ତ ବାକି ଯଦି ଫାଇଭ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଫାଇଭ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା, ତ ତାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ରେ କେତେ ରହିବା, ପାଞ୍ଚ ରହିବ। ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଇଭେନ୍ ମାନେ ହେଲା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ପାଞ୍ଚ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣନ ହେଉଛି, ତ ତାର ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଶୂନ ହେଇଥିବା। ପାଞ୍ଚ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣନ ହେଲା, ତାର ଏକ ଘର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା। ଯେନ୍ତାକି ଏକ୍ଜାମିନର କାଣ କରେ ମୁଇଁ ତମକୁ ବତଉଛି, ଯେନ୍ତାକି ଏଠି ଲେଖିବା କି 729 ଇଣ୍ଟୁ 543 ଇଣ୍ଟୁ 7329 ଇଣ୍ଟୁ 725 ଇଣ୍ଟୁ 81 ଆଉ 5597 ଏନ୍ତା କିଛି ଦେଇଦେଲା। ଆଉ କେବେ କି ତାର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ବାହାର କର, ତ ତମେ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି କରିବ ନାହିଁ କି 9 3 27 ସାତ ସାତ 9 63 ଏନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ ସିରିଜ୍ରେ, ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିରିଜ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର, ଅଡ୍ ନମ୍ବର କି ନୁହେଁ, ଅଡ୍ ନମ୍ବର। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫାଇଭ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଫାଇଭ ଅଛି। ଆଉ ଫାଇଭ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଏଖେନି ବତେଇଲି, ଯଦି ଫାଇଭ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବା, ଯେକି ଏଇସବୁ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲେ ବି ସେଇ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ଫର୍ମ କରବେ, ଯେତିକି ବି ଅଡ୍ ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ହେବା ନା, ତ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା, ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର କେବେ ଆସେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା କି? ତ ପାଞ୍ଚ ଯଦି ଅଡ୍ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା, ତ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କହିବ କି ଫାଇଭ ଆସିବା। ଏଠି ଏନ୍ତା ନାହିଁ କରିକି 9 3 27 7 9 7 63 6 ଏନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଠି 3 ଲେଖିବ, ଏନ୍ତା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଫାଇଭ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଯଦି ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ତ ତମର ଆନ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟ ଫାଇଭ। ବାକି ଯଦି ସେଇ ସିରିଜ୍ରେ ହିଁ, ସେଇ ସିରିଜ୍ରେ ହିଁ ମାନିକି ଚାଲ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ବି ନମ୍ବର ଥିତା, ମାନେ ଏଠି ଯେନ୍ ସିରିଜ୍ ଲେଖା ହେଲା 729 ଇଣ୍ଟୁ 543 ଇଣ୍ଟୁ 7329 ଇଣ୍ଟୁ 725 ଇଣ୍ଟୁ 81 ଇଣ୍ଟୁ 597, ଆଉ ଏଇଠି ମନେକର ଏନ୍ତା କିଛି ଥିତା କି 1024 ଦିଆ ହେଇଛି। ତୁମେ କହୁଛି କି ଯଦି ଫାଇଭ ଅଛି ଆଉ ସିରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ବି ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଅଛ, ଗୋଟେ ବି ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଥାଉ କି ଇଭେନ୍ର ପାୱାର ଥାଉ କି ଯାହା ବି ଥାଉ, ହେଲା କି, ଇଭେନ୍ ଯଦି ଦେଖାଗଲା, ତ ତୁମର ଏଠି କହିବ କି ଆନ୍ସର ସିଧା କେତେ ଆସିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ଜିରୋ ଆନ୍ସର ଆସିବା। ଏତିକି ବୁଝିଗଲା, ହେଇଗଲା? ତ ତାପରେ ଦେଖମା ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ଯଦି ଦିଆ ହେଇଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଇଁ ବତାଉଛି ଦୁଇ ତିନିଟା, ହେଲା କି, ସବୁ ଭେରାଇଟି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖମା, ବେସିକ ପୁରା ହିଁ ଚାଲବା ହେଲା। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରନି, ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି କରାଏନି, ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ସେଠି ପୁରା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ହିଁ ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା। ତ ସବୁ ଭେରାଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବା, ହାଇ ଲେଭେଲରୁ ମାନେ ଇଜି ଲେଭେଲରୁ ପୁରା ମଡରେଟ୍ ହାଏ ସବୁ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖ ଯଦି ମନେକର ଏଠି କହିବା କି ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ତାଙ୍କେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାରକେ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ ନାହିଁ, ଏଡ଼ିସନ ଯଦି କହିଲା ମନେକର କହିଥା କି 46 ପ୍ଲସ 93 ପ୍ଲସ 89, ଆଉ ଏଇ ନମ୍ବରଟାକେ ତମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି 44 ଇଣ୍ଟୁ ସରି ପ୍ଲସ, ତମେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଯାହା ବି ଦେଇପାର, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ୱାନ୍ସ ଥରେ କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଯାଅ, ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତମେ କରିପକେଇବ। 44 496 1253 ଯଦି ଏନ୍ତା କିଛି ଦିଆହେଲା, ତ ଏଇଟାକେ ସବୁ ଗୁଣନ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ନାଇଁ କରା ହୁଏ, ଏଠି ବି ସେମ୍ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଚାଲିବି। ତ 9 6 3 ମିଶିକି ହେଲା 9, ଆଉ 9 9 ମିଶିକି ହେଲା 18, ତାର ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ମୁଁ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେଟା କେତେ ଧରିବି, 8 ଧରିବି। ଏଇ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରେ ମୋର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ କେତେ ଆସିଯିବ, 8, ତାହେଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଏଠି ଆସିବା କେତେ, 6 4 24 4 ଆଉ 4 3 12 ମାନେ 2 ଆସିଲା, କେତେ ଆସିଲା,
दुई तो पूरा ये एक्सप्रेशन टा के की रिप्रेजेंट करवा दुई रिप्रेजेंट करवा तो यही एक्सप्रेशन रो आसुतला 8 आ इटू आसुतला 2 8 दुगने केते आसबा 16 हमर यूनिट डिजिट रे केते आंसर आसबा सुबले 6 आंसर आसबा बुझी बुझी तो हला ए सब इजी लेवल रो क्वेश्चन रे जीवा पूरा इजी इजी हला तो एकर में पावर वाला क्वेश्चन देखमा लेकिन हमें देखमा पावर वाला क्वेश्चन हला तो जदी इटा मल्टीप्लिकेशन भी दिया हिता तो मैं करि पाइत ना मल्टीप्लिकेशन भी करे दउ जे देख मने को रेडी को आइते कि 46 इनटू 93 इनटू 89 हला तो ये ऐड करा हिता 44 इनटू 496 इनटू 1253 जदी मने करो एंदा किछि मल्टीप्लाई कराला मल्टीप्लाई करी कि एडिशन दियाला तुम्ही कोजी कि ए फेस्टा जदी मी करबी तो 6 3 18 8 8 नुवा 72 माने 2 तुम्हें यही पूरा एक्सप्रेशन में दुईटा के नहीं चल भी ये आसपा के 6 4 24 मान 4 आउ 4 3 12 मान आसला 2 तो यही एक्सप्रेशन में भी 2 धरबी तार मैंने मोर आंसर के 2 + 2 = 4 मोर आंसर बुझेगा तो पूरा एक्सप्रेशन टाइम सल्व करब तो तुम आंसर के 4 तुम यूनिट डिजिट हे बुझेगा कि है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आड़े जाऊँ क्वेश्चन नहीं कनसेप्ट आड़े सब जाऊँ ये एखे टी जब आम आडवांस लेवल के जी ना तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ना मन कर तुमके क्वेश्चन को आवा कि 7249 पावर 72 आउ 80 यूनिट डिजिट बाहर करके बताओ कि कैसे हे लेकिन आम ये वैरायटी रो क्वेश्चन देखमा ए टाइप्स रो क्वेश्चन देखमा ठीक अच्छे तो आज सब पूरा क्लियर हो जाए बहुत ध्यान से देखु था कण कहा लेकिन एखे टेबुल बनने हाल्का हल्का पिला बुझी हुए तो बहुत डिटेल्स देखु तो बुझी पार तो आम फास्ट तो डिजिट्स लिखू केन केन डिजिट्स आसे मैंने जहाँ भी जनता कि मन कर लिखी थी ना ये कैसे लिखी थी लिखी थी 7249 मैंने ये यूनिट प्लेस दिला 9 थी आउ 9 रो पावर किसी गोटे रखाई थी देख ये भी तुम्हें ना से यूनिट डिजिट ही देखिकी तार पावर बसईबार अच्छे ना कि 724 रो किसी ये काम नहीं बुझला कि नहीं ये भी 724 रो किसी काम ही नहीं है कि नहीं तो ये देख जितेबाला एंता किसी कहते तुम्हें देखिए कि ये गोटे किसी गोटे सिंगल डिजिट को आसवा कथा ना यूनिट डिजिट रे तो यार पावर जो कि भी रही तो यही सब केस आम पूरा देखीदेम है तो एक नंबर टाइप्सटा थी जदि ए टू दि पावर एन लिखा होगा ए रवर एम लिखा होगा आउ ए भितर किए थी ए भितर किए थे ए भितर थी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउ एम टा किसी भी नेचुरल नंबर हो पाए एम टा किसी भी नेचुरल नंबर हो पाए है तो एम नेचुरल नंबर हो पाए है तो ये देख जदि मुझे कहूँ कि जदि ए जगह मुझे किसी भी डिजिट लगे मैंने लास्ट है तो लास्ट ए खाली एंता नहीं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं पूरा आके आके तुम्हें जेन भी नंबर नहीं पार नियो है तो ये भितर जो मैं गोटे नंबर आणिक रखी बाकी मुझे कहूँ कि जिते बड़े नंबरटा लिखाई थी जिते बड़े नंबरटा लिखाई थी तार मन कर लास्ट प्लेस रे ए अच्छे मन कर तार लास्ट प्लेस रे ए अच्छे एंता किसी उपरे पावर एम दिखाई तेज मुझे ये केस लिखी तेज मुझे लिखी कि ये 9 तो ही नंबर रहा कहीं डिजिट सब यूनिट डिजिट रे सब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आके जाए है तो ये देख जिते यही सब कनसेप्ट क्वेश्चन आसवा तो आम के करमा यहाँ भी बहुत इजी अच्छे किसी नहीं खाली ऑब्जर्वेशन स्किल टी बढ़े तेज हो जाए आगे जब किसी जान नहीं थो तेज तुमको नुआ नुआ लगे बाकी आगे जान थो तो ये तुम रिपीट भी होगा देख 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जदि कहला तुम्हें ये तुमको फास्ट तो बताऊँ गोटे जब 0 आसला किसी भी नंबर दिखाई तार जब यूनिट 0 अच्छी यूनिट प्लेस रे तार जो 0 अच्छे तार पावर दुनिया रो किसी भी नंबर लिखी दि तो तुम जहाँ भी आंसर आसवा ना से सब बेले आंसर रे सब के आसुवा तार यूनिट डिजिट रे से 0 ही आसवा 0 थिला 0 ही आस जदि किसी भी नंबर अच्छे तार लास्ट यूनिट डिजिट रे 1 अच्छे तार भी पावर तुम दुनिया रो किसी भी नंबर लिखी दि तेबे भी ये आंसर के आसवा से ही नंबर आसवा 1 ही आसवा यूनिट डिजिट रे बुझी बुझे तो जदि मुझे 5 रे लिखी किसी भी नंबर थी आउ तार यूनिट डिजिट जो 5 आसा जेनता कि एग्जांपल नौ 7 2 3 4 6 8 5 तो यूनिट डिजिट 5 अच्छे कि नहीं
पाँच रो पावर दुनिया रो किसी भी नंबर बसाओ तुम आंसर जेन आसब ना तार भी एक घरे किए आसवा से पाँच ही आसब है तो आउ किए आसे छ छोर जी मुझे कहूँ जो सिक्स थी आउ तार ऊपर किसी भी नंबर पावर बसई दि है ये तुम आंसर के आसवा से ही सिक्स ही आंसर आसवा तार मैंने आम यू जापरला कि जदि जीरो वन फाइव सिक्स यूनिट डिजिट रे आसबे जदि जीरो वन फाइव सिक्स यूनिट डिजिट रे आसबे और तार पावर किसी भी दुनिया नंबर हो तो सी सेम आउटपुट देवे मैंने से ही जीरो वन फाइव सिक्स आसवे कैसे आसीज से जीरो वन फाइव सिक्स ही आसीजा तुम गोटे गोटे डिजिट कर सब डिजिट के सारीदे तेज आम पूरा कम्प्लीट हो तो आम जान ला कि जीरो वन फाइव आउ सिक्स जदि सेम कहार कहार केस रे बा सेम आसवा जीरो केस रे वन केस रे फाइव केस रे आउ सिक्स केस रे तुमको लगुव के मुझे गोटे एग्जांपल देखे दूँ मन कर मुझे कहूँ कि नंबर दिया दिखाई आ लास्ट छः अच्छे सेवेन ट्वेंटी सिक्स मन कर दिया सेवेन ट्वेंटी सिक्स आउ तार पावर दिगला सेवेन्टी थ्री माने एतर माने हला सेवेन ट्वेंटी सिक्सटा सेवेन्टी थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होती एतर माने हला सेवेन ट्वेंटी सिक्सटा सेवेन्टी थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई होती तो मुझे मल्टीप्लाई टाइम दुई तीन थर लिखुच देख मुझे लिखिपारि कि सेवेन ट्वेंटी सिक्स इंटु सेवेन ट्वेंटी सिक्स इंटु सेवेन ट्वेंटी सिक्स इंटु सेवेन ट्वेंटी सिक्स एमता ही चलवा आगे केत तो चलवा सेवेन्टी थ्री टाइम्स थी सेवेन्टी थ्री टाइम्स तो देख जितकी थर भी था ये देख तो जितेबाला यूनिट डिजिट बाहर करवार अच्छे तो सिक्स इंटु सिक्स के सिक्स इंटु सिक्स कले थर्टी सिक्स मैंने मुझे सिक्स रखी फिर सिक्स इंटु सिक्स 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 इंटु सिक्स थर्टी सिक्स मैंने सिक्स आसला तार मैंने जितकी भी गुणन करी जाऊ तो से सिक्स ही आसुवा ना एर लगे कह जीरो वन फाइव सिक्स केस रे जदि जीरो वन फाइव सिक्स केस तुम पावर जहाँ भी था तो सही सेम रिजल्ट ही बाहरी जावा जहाँ यूनिट डिजिट रे अच्छे है तो जीरो वन फाइव सिक्स होगा सेकेंड कैटेगोरी आम देखमा फोर आउ नाइन फोर आउ नाइन केस ना एका था जेनता कि मुझे तुमको पावर हिसाब से नहीं कि बुझेबार के ट्राए करुँ जदि मुझे फोर पावर वन लिखुच तो मत बताओ आंसर के आसवा फोर जदि फोर पावर टू लिखी तो आंसर आसवा के फोर इंटू फोर जे सिक्सटीन जदि मुझे फोर पावर थ्री लिखी तार मैंने ये आउ थे मल्टीप्लाई होगा फोर मैंने सिक्सटी फोर हो फोर पावर जब मुझे फोर लिखुच तुम्हें क्या कुछ बुझ ये जितेबले पावर इनक्रीज हो चलुला जितेबले पावर इनक्रीज हो चलुला जो पावर होता एक्सट्रा गोटे बढ़ला तो तुम्हें कह कि फोर ही एक्सट्रा मल्टीप्लाई होगा ये भी एक्सट्रा से फोर मल्टीप्लाई होगा तो देख तो छः चौ चौबीस लास्ट चार आस तो ये भी जदि फोर मल्टीप्लाई होगा तो चार चौ षोह मैंने छः आसवा आर तले फेर मुझे कहूँ कि जदि फेर फोर मल्टीप्लाई होगा तो छः चौ फेर चौबीस तो फेर चार फेर जदि चार मल्टीप्लाई कली फेर छः तार मैंने तुम ये जानु कि चार के तो जदि से चार नंबर सागर ही जो गुणन करुवि तो खाली रिपिटेसन तो दुईटा नंबर आसवे गोटे तो आसवा चार आ गए आसवा छः फेर आ गए चार फेर छः तो चार छः चार छः रिपिटेसन चली बाकी केतेबेले केंडा होची देखमा जेतेबेले ऑड नंबर रहिला जेतेबेले ऑड पावर रहूची सेतेबेले देखो चार रहूची जेतेबेले ऑड पावर रहूची सेतेबेले कि आसुची चार आसुची एडी जदि मी लिखिती फोर पावर केते इता फाइव देखो ऑड पावर कि आसुची ते फोर रिपिटेसन होची तार माने तुम्हें कह कि फोर पावर जदि ऑड रहिला फोर पावर जदि ऑड हला तो आंसर केते तुम आसवा सबबेले फोर ही आसवा बाकी जदि फोर पावर इवेन रहिला फोर पावर जदि इवेन रहिला तो तुम कह कि सिक्स आंसर आस बुझेगा तो एग्जांपल गोटे दौ देख जदि मन कर मत कहला सेवेन टू थ्री फोर नाइन सिक्स फोर यही तार पावर सेवेन ट्वेंटी थ्री तो मत बताओ तार फोर अच्छी लास्ट डिजिट रे मैंने यूनिट डिजिट फोर है और पावर जदि ऑड है फोर पावर जदि ऑड है तो तुम कह कि जहाँ भी नंबर आस लास्ट तो कन्फर्म फोर आस लास्ट कन्फर्म के आसवा फोर आसवा तो ये डायरेक्ट आउटपुट है कि नहीं इनके खाली यूनिट डिजिट रो तो काम अच्छी ना बाकी रो तो काम नहीं ना तो आम जल्दी कही पार्मा कि डायरेक्ट आंसर फोर होगा ये नाइन रखा नाइन रो भी यार लेखे ही पूरा सामान था नाइन टे भी देख जदि मुझे नाइन रेस लिखवा चाहिए नाइन तो तुमको कह कि नाइन रवर वन मैंने आसवा नाइन
नाइन पावर टू मैंने आसवा के 81, नाइन पावर थ्री तो 729 तार माने ये कण हो देख तो मैं कहूँ कि नौ पावर एक जो था खाली नौ थी नौ पावर जो दुई है तो नौ एक्सट्रा गोटे गुणन हो तो नौ नुआ एकाशी एक बाहर कि से एक रे जदि मुझे नौ गुणन करी तो फेर नाइन आसी जाऊँगी नाइन पावर जो फोर कौन तो यही नाइन रे फेर के मल्टीप्लाई होगा नाइन मल्टीप्लाई होन्सर ये जहाँ भी थाउ लास्ट आसीज वन नाइन पावर जो फाइव कौन से आसवा ये आउ थे नाइन मल्टीप्लाई हो आसवा फेर नाइन आम ही चली थी वन नाइन वन नाइन वन नाइन वन नाइन वन नाइन वन नाइन छड़ा अलग नंबर आसे बुझला कि नहीं है कि तो जदि वन नाइन वन नाइन वन नाइन आसूँ तो मुझे देख ये यहाँ गोटे जिनस फिर देख जिते पावरटा अड रोच से नाइन आस जिते पावर अड रहा से नाइन आसला जो पावर अड रोच से नाइन आस अच्छी ना तुम्हें यहाँ भी जान ली से तुम चार और नौटा के गोटे ही क्राइटेरिया एक सागर आम डिस्कस करुचु कहीं चार भी दुईटा दुई तीन तौर पर पावर चेंज होता मानने पावर जहाँ भी था दुई दुईटा नंबर चेंज होता आईदर चार हाँ ना तो छा चार पावर दुनिया किसी भी नंबर लिखिदि आईदर चार हाँ ना छा अलग डिजिट आसे ही ना नौ केस्रे नाइन आन आसवा छड़ा अलग कहीं आसवार चानसेस ही नाइन बाकी नाइन रवर जो नाइन रवर जो अड रोच नाइन पावर जो अड रहा से नाइन ही आसूच बाकी नाइन पावर जो इवेन रोचे से आसे आसी जा तो यही दुईटा जिनस तुम्हें मन रख गोटे नाइन केस्र होगा आ गए फोर केस्र होगा फोर केस्र जदि अड आसूँ तो कैसे आसवा वन आसवा सरी फोर आसवा और जदि इवेन आसला तो कैसे आसवा इवेन आसले आसीज सिक्स बुझला कि नहीं तो अड इवेन के बसइब देख मुई जेना मत लगे कि यही हिसाब से कले तुम जल्दी जल्दी जानव कहीं सब खाली कनसेप्ट जानवर अच्छे कि फोर आउ नाइन दुई थे रिपिटेसन हो नंबरटा थे छाड़ी आउ थे आसला बेल दुई नंबर थे गेप छाड़ी आउ थे रिपिटेसन हो मैंने दुई दुई थे रिपिटेसन नहीं चलूँ है कि नहीं तो ये तुम जब मन कर मत कह लगे सेवेन टू फोर नाइन थ्री सिक्स और फिर नाइन दिहला तार पावर सिक्सटी नाइन कहला तुम्हें देखुच अड नंबर अच्छी तो नाइन रड तमें नाइन रड मैंने मुझे गोटे मनरे मनरे भाभी पकेबी नाइन पावर वन वन टा अड कि नुए तो नाइन वन जे नाइन मैंने नाइन जदि एक्स पर ही तो थी तो कैसे आसब पावर नाइन तो तुम ये डायरेक्ट लिखि पार कि वन जदि अड केस आसला जदि अड केस आसूची तो एक तुम भाविकी बस ना एकटा भी तो गोटे अजुग्म संख्या आ नाइन पावर वन रही के हुए नाइन जदि ये मन कर इवेन थी मन कर ये सिक्स नाइन कि एट थी तो तुम कह कि नाइन पावर टू बसइबि कहीं नौ पावर दुई में जानी जुग्म पावर उपरटा तो नौ नुआ के एकाशी तो ये एक घर किए आस एक तुमकें मन करवा कि नहीं पड़े कि अड्रे नाइन इवेन वन अड्रे नाइन इवेन वन के दिन मन कर तो बाकी कनसेप्ट जान थो तो तुम निजे निजर आड़ आप्लाय कर जान पकेब कि ये आंसर हाँ ये तर के देख आउ जी बढ़े दुई तीन पाँच सरी दुई तीन ये बढ़े दुई तीन आत आठ यहाँ टे कम्प्लेक्स अच्छे तो ताके देखा लगे मैंने चार चार थोड़े रिपिटेसन आसवे है तो मानक रिपिटेसन चार थोड़े आसवा तो किए किए रही खाली दुई तीन सात आठ किए किए पहुँचले दुई तीन सात आठ यहाँ ना तुम टे ध्यान से देख पिला यहाँ ही बुझी पार नहीं मैक्सीम टाइम है कि नहीं यहाँ के बहुत ध्यान से देखु ये के दुई तीन सात आठ आउ आज बहुत भलसे बुझ काली क्वेश्चन मुझे डायरेक्ट करी आउ क्वेश्चन कराला बेले एत आनालीसीस ना करा हुए बुझी पार्लि आम स्पीड स्पीड जी तेब बेस क्वेश्चन कर पार्मा है तो आई सीरीज तुम पूरा एखे कंटिन्यूस आसते जावा जेना कि तुम आम देख फैक्टराइजेसन सरला आउ किए सरला नंबर अफ जीरो सरी यूनिट डिजिट सरवा रिमाइंडर थीरम सरवा तापर आम सिंप्लीफिकेसन थे करेमा तापर एलसीएम एससीए परसेंटेज सब चैप्टर तापर आम धीरे 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 पूरा डिटेल्स कवर कर चलवा ठीक अच्छे तो जदि दुई तीन सात आठ मुझे कहूँ यहाँ पावर टाइम आम ध्यान से देखा है कि नहीं दुई तीन सात आठ रवर जदि मुझे ऊपर लाइन ना मुझे पावर लिखुच मान चलो ऊपर लाइन में पावर लिखुच देखु थो ध्यान से ये मुझे नंबर लिखुच ये मुझे नंबर लिख ली दुई तीन सात आठ है तो गोटे नंबर लाइन टिके ड्र कर दिया भल से लाइनिंग ना मोर बहुत टेढ़ा हुए तो लाइन गुटे मुझे ड्र कर दिए फर्स्ट तार ऊपर लिखी तो टिके टिके तो लाइन सीधा आसवा लाइन बेटा भी टेढ़ा अच्छे
एतकी देखो एतकी रे हिजबा हमर जदि मैं कहू छी कि 2 रो पावर ऊपर में ना पावर बसो जे ठीक अछि तो पावर पावर लाइन टा में ऊपर आले लिखु ठीक अछि तो जदि 2 रो पावर ना मैं 1 लिखली 2 रो पावर जदि मैं 1 लिखु छी तो से 2 ही आसबा माने 2 थोरे ही गुणन होबा तो 2 ही तो खाली लिखाइ दिबा थोरे दिबा माने जदि मैं कहू छी कि 2 2 थोर दिबा तबे केते आसी जिबा 4 आसी जिबा तार माने बुझी परछो तो 8 8 एक्स्ट्रा 2 गुणन होइ चलला एटी एक्सट्रा के गुणन हो गला 2 गुणन होगा तो बाकी 2 रो जो पावर 3 कहूँ तेज के आसवा एटी भी एक्सट्रा 2 गुणन होगा तो 4 दुगुण हो 8 जो पावर 4 कहूँ पावर 4 मैंने बुझीपार तो मुझे हाल्का टे बताऊँ 2 रो पावर 4 मैंने 2 4 थोर लिखाई थी गुणन होगी लेडी के आसवा बताओ तो 2 दुगुणी 4 4 दुगुणी 8 8 दुगुणी 16 16 होगा बाकी देख तो ये 8 गुणन 2 भी तो है 16 होगा लगे 8 गुणन 2 की 16 हो कि तो एक्स्ट्रा तुम्हें कह कि ये फिर 8 रे 2 एक्स्ट्रा गुणन होगा तो ये 16 अब मुझे यूनिट डिजिट खाली लिख लेकिन चलुँ ठीक अच्छे तो यूनिट डिजिट खाली लिख लेकिन चलुँ है तो मुझे इसबूर मान टे चेंज कर दिए तो तुम्हें पूरा बहुत भलसे बुझी पार्ब ऑप्शन अच्छे तो कहीं यूज करवा नहीं नहीं थी तो गोटे ही पेन लिख देता ठीक अच्छे तो मुझे चाहे कि तुम्हें बहुत भलसे बुझ जाओ थोड़े बुझ इसबू बार बार देखवार के नहीं पड़वा कथा ये जदि मुझे पावर 2 लिखली तो तुम कह कि ये आसवा जदि मुझे पावर 3 लिखी होगा के पावर 3 लिखाला तुम कह कि ये आसवा 8 है तो पेसेंस पुलिस टी देखु तो मुझे चाहे कि बहुत भल से बुझे पार लगी से लगी लेट हो ले चैप्टर बिल्कुल लेट हुए बुझे लगे बहुत जल्दी जल्दी सब चैप्टर सरी जाए है तो बाकी मुझे चाहूँ कि बहुत टिके भी लेट हो बाकी बहुत ध्यान से बुझे ये जी कह कि फिर पावर जब मुझे 4 नी तो 8 दुगुण 16 मान आसवा के 6 यूनिट डिजिट खाली लिखुच मुझे 16 लिखवानी खाली आसवा के 6 है तो ये भी देख सब से 2 गुणन हो बढ़ी बढ़ी चलने ये भी 2 ही गुणन हो जदि मुझे तारे जब 5 लिखवा लगे चाहती थी 5 लिखवा लगे चाहती थी तो तुम कह ना ये भी 2 गुणन होता आ 6 दुगुणे 12 मान के आसी जाता 2 है तो जब मुझे पावर टा 6 लिखवा लगे चाहती थी 6 तो तुम कह ये भी 2 गुणन होता आ 2 दुगुणे के 4 तरह जब पावर 7 लिखी थी पावर लिखी थी के 7 तो तुम कह कि ये फिर 2 गुणन होता आ 4 दुगुणे के 8 हो जाता तब जब मुझे पावर फिर 9 लिखवार के चाहती थी पावर नहीं लिखी थी कहते 9 9 सॉरी 7 पर 8 लिखी थी मैं पावर जब ये 8 लिखी दी थी तो मैं कहूँ कि 8 2 जा 16 आसवा तो लास्ट 6 आसी जीवा चला था तो मैं कहाँ कहूँ जी तुम्हें बुझवार के ट्राई करो मैं जेन कलर यूज करी जी जेन दिखी व्हाइट कलर यूज कर ली व्हाइट कलर 1 रे पिला 2 ये देख तो 5 रे भी सही 2 नंबर ही रिपीट होते मुझे कलर टा यूज कर 2 आईटा आसी 6 रे भी यूज कर देख तो सही सेम नंबर ये भी 4 आसी तो ये भी 4 आसला कलर टाइम देखु तो 8 रिपीट आसला ये 8 ये 6 एना आसूस कि नहीं आसवा जब आगे पूरा लिखवार के भी चाहती थी ये मुझे कलर चेंज करुँ बोल कि टाइम लगुच 9 8 पर लिखी थी 9 10 11 12 ये लिखी थी 13 14 15 16 अभी लिखाई तो 17 मैंने लिखिकी जो चली थी और ये 9 आसला पर पावर 10 आसता 13 पर 14 आसता 16 पर सॉरी 17 पर 18 आसी था मुझे सब देखे दूँ कहीं तुम्हें देख कि बार बार से रिपीट हबार के स्टार्ट हाँ है ना कि नहीं आसवा 11 15 आसवा 19 कैन कलर यूज कराई फ्रेंच कलर ये आसो 12 ये आसवा 16 ये आसवा 20 तो 6 पर जेनटा आसवा तुम्हें कह कि 6 पर किए आस ये फेर 2 गुणन करी तो 6 दुगुणे 6 दुगुणे के 12 मैंने फेर 2 आसला तो सब यही व्हाइट नंबर जितकी मुझे लिखुची ना से सब के आसवे सरी हाँ व्हाइट नंबर जितकी सब लिखा हो सब के आसवे 2 2 आसवे व्हाइट नंबर जितकी लिखुची ना जो 9 पावर थी 13 पावर 2 आसवा 17 पावर 2 आसवा है तो
जदि मुई ए कलर यूज कर ए कलर के आसला से चार चार आसवा तुम्हें कह कि चार आसीजा ये भी चार ये भी चार कहीं दुई दुगुण फेर तो चार आसवा तार आसवा इलेवेन वाला में कैसे लिखी आठ लिखी कहीं चार दुगुण आठ तो ये तुम्हें कह ये भी आठ आसुवा ये भी आठ आसुवा आ लास्ट ये आसवा के सिक्स आसवा तो तुम्हें कह कि ये भी सिक्स आसवा ये भी सिक्स आसवा आ देख हो कि नहीं कि जदि मुझे कहूँ कि छः दुगुणे बार दुई हूँ दुई दुगुणे चार हो चार दुगुणे आठ है आठ दुगुणे षोह होगा छः दुगुणे बार फेर दुई है दुई दुगुणे चार है चार दुगुणे आठ है आठ दुगुणे षोह होगा छः दुगुणे बार फेर है दुई दुगुणे फेर चार है चार दुगुणे फेर आठ है और छः दुगुणे फेर सॉरी आठ दुगुणे फेर षोह होगा तो यूनिट डिजिट एंता बढ़ू कि नहीं बढ़वा तो देख तो रिपीटेशन प्रति चार थर रिपीटेशन आसूची कि प्रति चार थर से नंबर आसला कि चार थर सर मैंने यू जब एक दुई तीन चार नहीं जी तार फेर आउ थे देख तो सेम नंबर रिपीट हो कि यू आठ तक से सामान नंबर रिपीट है जो मुझे नाइन रू ने तो पूरा केत तक ट्वेल्व तक से सामान नंबर फेर रिपीट चलो चलुचन नहीं चलवार कि देख तो यही ही तो ये काम होटू फेर यहाँ फेर यू एंड तक तर फेर आगे भी चलो नहीं आगे भी तो फेर ना चलवा तर मैंने तुम ये जान लो कि जितेबाला दुई रवर थी से चार थर नंबर रिपीट हो देख ये थे दुई आसला ये थे फेर चार तीन थर पर दुई आसला मैंने चार चार टाइम रिपीट हो ना चार थर पर मैंने तीन थर पर रिपीट है ना तो प्रति चार पर रिपीट है तो ये देख आम क्या कर फेर एंता तीन टो भी सेम आसे तीन टो भी कैंता आसवा ये मुझे गोटे ही मार्कर यूज करके पूरा चलाऊ लगे लेकिन एंता करमा तो मोर बहुत लेट हो फास्ट कह फास्ट तीन पर एक मैंने तीन आसवा फिर तीन तीन गुण नहीं कि नौ नौ तीन गुण नहीं कि सतैस मैंने सात आउ सात के एक मैंने ये तुम्हें जान लो थ्री नाइन सेवेन वन तो ये भी थ्री नाइन सेवेन वन थ्री नाइन सेवेन वन एंता था रिपीटेशन चली थी थ्री नाइन सेवेन वन आउ थ्री नाइन सेवेन वन एंता था रिपीटेशन चल जदि मुझे सेवेन लिखवार लगे चाहूँगी तो आसवा के फास्ट रे सेवेन और फास्ट आसवा फास्ट सेवेन आउ सात सत्ता अणचाश नौ नौ सत्ता तेसठी तीन आउ सात एक तो तुम कह कि ये चार थर रही फेर आउ थे एक रे जदि सात गुण ना तो फिर सात नौ तीन एक सात नौ तीन एक सात नौ तीन एक फिर सात नौ तीन एक आउ एंता चली थी ये एंड हुए ने तो देखो प्रति चार चार थर नंबर रिपीट हो नहीं ये भी देखो सही तीन नौ सात एक 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 यार मैंने तुम ये यहाँ बुझी पारुच कि मन कर मुझे गोटे एग्जांपल लिखली सेवेन थर्टी थ्री आ तार पावर एंता किसी भी लिखिदेवी किसी भी लिखी तो तुम कह कि पॉसिबिलिटी यहाँ अच्छी कि लास्ट डिजिटा आईदर तीन आसवा नहीं तो नौ आसवा ना सात आसवा ना एक आसवा यूनिट डिजिटा जहाँ भी नंबर आसू इे पॉसिबिलिटी यहाँ अच्छे कि तीन नौ सात एक आसवा यार छड़ा अलग किसी नंबर केवे भी आसू ना बुझेगा कि नहीं कि अलग नंबर ये रिपीट हुआन ही ना कि बुझी पार्च मुझे जहाँ कहबार के चाहिए आठ रे देखमा आठ रे भी सेम जिन चली था आठ रे क्या चलवा आठ एक आठ आसला आठ अठा चौसठ मान चार आठ छक सरी आठ अठा सरी आठ छ बतीस मान दुई आठ दुगुण षोह मान छ देखो ये फास्ट आठ आसला आठ रि मुझे स्क्यार कह आठ गुण न आठ आठ अठा के चौसठ छः छाड़ चार मुझे कहूँ कि चार अठा के आठ चौ बतीस मैंने दुई आसला बाकीटा छाड़ जो मुझे कहूँ कि दुई आसला दुई में फेर आठ गुण न कर बोले छः देख यही नंबर फेर आउ थे रिपीट हो चलवा मैंने तुम्हें कह कि यू फेर आसवा आठ चार दुई छ फेर आसवा आठ चार दुई छ फेर आसवा आठ चार दुई छेन आसवा आठ चार दुई आउ छा चली थी एंड हुए नहीं ये तुम्हें जस्ट इतनी दूरिया तक एग्जांपल बताइए ये खाली कोड़े तक पावर थोड़ी जी बड़ बड़ पावर बहुत बड़ बड़ नंबर दिया तमें ये मुझे देखार के चाहिए कि मैंने देख यही नंबर चार थर ही आसुचन ये नंबरटा के चार थर आसुचला तो प्रति चार थर रिपीट हेबार नंबरटा आ गए जिनस मुझे कण कह बुझार के ट्राए कर जदि ये ये जदि य चार्टा जेन संख्या कटि जाऊँच मुझे मन कर चार थर रिपीट हाँ तो जेन संख्या चार विभक्त तो हो देख पावर जी जेन चार कटुचन जेन पावरटा चार कटुचन यहाँ चार कटुचे कि नहीं देख चार चार कटवा चार आठ कटवा चार कट बार कटवा
चारे षोल भी कटवा आ चारे कोड़े भी कटवा है तो से सब सामान नंबर थे देख ये छ आसला जेनटा कटूच ये छ आसूँ ये देख जेनटा कटला छ आसला जेनटा कटूच ये भी छ आसला ये भी छ आसला ये भी छ आस आसूची कि नहीं आसवा तमें जदि मन कर तुमके क्वेश्चन दिगला कि 122 रो पावर 136 तुम्हें देखी कि यही उपर पावरटा चारे कटूच कि नहीं कटवा ये चारे कटवार लगे कहना हुए चार डिविजिबिलिटी रूल भी जान कथा कि चार डिविजिबिलिटी रूल ला लास्ट दुई डिजिट जो चारे कटला तो पूरा नंबरटा चारे कटवा तुम्हें चेक क्या कि कर भी लास्ट दुईटा कि यही 36टा चारे कटवा कि नौ चौ छत्तीस अच्छी जदि कटि जाऊँगी तुम्हें देख यू पावर जो कटुले मोर आंसर के सिक्स तुम्हें ये डायरेक्ट लिखि पार भी कि ये आंसर के सिक्स आसीजा कहीं नंबरटा चारे डिविजिबल हो तो बाकी जदि मन कर मुझे तुमको कही थी कि 122 रो पावर 122 रो पावर देख 122 रो किसी काम नहीं काम तो अच्छी खाली हाँ लास्ट डिजिट मान ये टू रो खाली काम अच्छी लास्ट टू रो काम काम अच्छे है तो यार जब पावर बतई थी मन कर 22 लिखी थी कैसे लिखी थी 22 तुम्हें कह जी 20 जगह के आसला सिक्स तो 21 जगह फिर टू आसता कि 21 जगह फिर टू आसता 22 जगह के आसता 4 आसता बाकी तुम केगर काल्कुलेट करके चल भी एना तो हुए ना तो ये तुम गोटे काम कर कि ऊपर पावर टाके ना चारे डिवाइड कर ऊपर पावर टाके ना चारे डिवाइड कर देख कहीं नंबरटा प्रति चार थर रिपीट आस चारे डिवाइड कला तुम्हें कह कि चार पंचाईगला 20 आउ भागशेष के बढ़ला आई बढ़ला जेनटा भागशेष बढ़ूँ ना कहीं देख मुझे क्या कहूँ बुझार के ट्राए कर ये दुईटा जेन भागशेष भी नहीं कि कहीं कह कहीं 20 थर आसला चार जदि 20 थर आसता तो छे थी 21 नंबर आसे 2 आसता 22 नंबर आसे 4 आसता आसी जाता तुम्हें से रिमाइंडर जेन आसला रिमाइंडर जेन आसला ना ये तुम तार पावर हिसाब से भाव जहाँ रिमाइंडर आसला दुईटा के जो 22 थी प्रति चार थर रिपीट होता बोली चारे डिवाइड करी पावर यही पावरटा के चारे डिवाइड कली चार डिवाइड कलापर जहाँ भागशेष आसला भागशेषटा के ही तुम यही एकक घर भागशेषटा के ही पावर बसई दि मान ये दुई रोमी दुई बसेबी दुई रोमी दुई बसेबी मार्कर यूज कर तुम्हें जापार केन दुईटा कह लगी यूज कराला यही दुईटा यूज कराँच तलर जेन दुई रकक घर संख्या थी तार दुई लगी आई दुईटा यूज कराँच रिमाइंडर आसाला तार लगी बोली तो दुई रुई मैंने केसीजा चार तो देख तो ये चार आसूद लगे ना आनसरटा चार आसूला तो आम एंता ही करके चलना जिते बड़े भी नंबर जहाँ भी था जदि बड़ बड़ नंबर दिहला मन कर तुमके गोटे नंबर दिहला मुझे एग्जाम्पल सागर बुझेगा चाहिए यहाँ ही सब इम्पोर्टाट कनसेप्ट बुझीगला तो ये टोटाल इम्पोर्टाट कनसेप्ट कहे यहाँ ही अच्छे कहीं पिला यहाँ बुझीपार ना बोर्ड टाइम वन्स थोड़े बुझे तो तेज भूलवार चान्स ना मन कर मत कह 72 रो पावर 943 मानने 72टा 943 थर गुणन होती तुम्हें देखिए कि चारे जेन सब नंबर कटुले जेनता कि देख चारे कटुला तो ये पखापाखि नंबर किए कि चारे कटब तमें मुझे कहबी कि यही नंबरटा डिजिबुल हवा कि चारे आारे विभक्त मानने हरण हबार लगी लास्ट दुईटा डिजिट मान पूरा परफेक्ट मानने यही नंबर गोटे जदि चार फैक्टर बाहर करवा चाहिए तो चार यही नंबरटा कटुदा कथ चारे कटुवा कथ मैंने कण हबार कथ लास्ट दुईटा डिजिट विभाज्यता सूत्र जो जाच लास्ट दुईटा डिजिट नंबर जदि चारे कटिगला तेज से नंबरटा पूरा तार आगे मुझे जहाँ भी लिखिदेवी से नंबरटा चारे कटवा तुम्हें देखी 43टा चारे कटवा कि 43टा जब मुझे चारे काटबी तो तुम कह कि 10 14 40 आसवा रिमाइंडर बची जावा 3 भागशत के बढ़ जावा 3 बढ़ जावा तुम्हें किसी करवा नहीं दुई रोवार के खाली 3 बसई दिव आम कह कि 8 तुम आंसर हो जेन रिमाइंडर बसला ना ये यूनिट ये यूनिट डिजिट अच्छे तार रिमाइंडरटा के बसाओ ये 3 बसला बोली नहीं भाव है जदि मन कर ये लिखाई था कि 72 रो पावर 947 लिखाई था तेज ये केतेता तुम्हें कह कि 11 चौ 44 पलता ये मुझे लास्ट दुईटा डिजिटा के चारे भाग दे मैंने 47 डिवाइडेड बाय 4 करती तो 11 14 44 ही जाता बाकी बढ़ता के 3 बाकी के बढ़ता 3 तार मैंने मुझे लिखी थी 2 रो पावर 3 आ 2 रो पावर 3 मैंने होगा 8 आ देख यही केस्रे भी 8 आसूच बुझीगला यहाँ है तो तर मुझे बहुत सारा तुमको कनसेप्ट कराऊँ तेज तुम जाणी आउ जेन केस्रे जो रिमाइंडर तुम 0 आसीगला जेन केस्टर रिमाइंडर 0 आसला तुम्हें से पावरटा 4 बसईदेव आंसर बाहरी जावा सीधा सीधा
লাগি নাকি এই চার্ট কিছু মনে করবা দরকার নেই, এটা মনে করি তুমি কত দিন মনে করবা, এটা মনে করলে তো বহু সারা জিনিস আছে, এই জিনিসটা মনে করি তুমি কত দিন জীব বাদাম, এটা মনে করবা নেই, মনে করে এখন তোমাকে কোয়ালা কি 737 অফ পাওয়ার 436 তুমি কুজি কি এটি দেখিবি কি ইয়ে বি 7 ওয়ালা কেস রে 2 3 7 8 যদি আসলা তুমি জানবো কি প্রতি চার থরে রিপিট হবার আছে, 2 3 7 8 যদি আসুচি প্রতি চার থরে সে রিপিট হই চলবা, তো যদি 2 3 7 8 টা ভিতর ইডে দেখো 7 আসুচি 7 র পাওয়ার এন্দা কিছি লেখালা তুমি দেখিবি কি উপর নম্বরটা 4 রে কটুচি কি হেলা কি নে, তুমি যদি 36 ডিভাইডেড বাই 4 কইবি তো তুমি কইবো কি পুরা কটি যাউচি 9 রে কটি গলা 9 4 36 হই গলা 9 4 36 হই গলা, তো রিমাইন্ডার ইডি কেতে আসলা 0, যে নম্বরটা 4 রে কটুতবা বা রিমাইন্ডার 0 হবা সেতেবেলে তুমি 7 র পাওয়ারটাকে 4 বসেকি চালবো বুঝি পড়ছো, যেনকি এটা দেখো এটা 7 র 7 র পাওয়ার 4 হলে 1 আসুদলা, 7 র পাওয়ার 8 হলে বি 1 আসলা, 7 র পাওয়ার যদি 12 নেলি তেবে বি 1 আসলা, 7 র পাওয়ার যদি 16 নেলি তেবে বি 1 আসুচি আর 7 র পাওয়ার 20 নেলে বি আনসার 1 আসুচি বুঝি হয়েছে কি নাকি, তো এটার মানে হেলা যদি যদি রিমাইন্ডার তোমার 0 হলা, যদি রিমাইন্ডার 0 হলা তো তুমি ডাইরেক্ট 7 র পাওয়ার 4 বসাও, তুমি জানবা কথা কি 7 র পাওয়ার 4 করলে আনসার হবে 1 বুঝি লাগি নি হেলা, টেবুল চার্ট কিছু মনে করবা দরকার নেই, রিমাইন্ডার ভাগ রিমাইন্ডারটাকে হি ডাইরেক্ট পাওয়ার হিসাবে কাম করব, এই যে পাওয়ার পজিশনটাকে না তুমি রিমাইন্ডার হিসাবে হি দেখো, যে পাওয়ার লেখা হয়েছে এটাকে তুমি পুরা রিমাইন্ডার দেখো, 4 রে ভাগ কলা পরে ভাগশেষ কেতে বড়ুছে তুমি এটাকে রিমাইন্ডার হিসাবে দেখবো তারপরে ঠিক আছে, ও রিমাইন্ডার 0 এইটাকে দেখবো, রিমাইন্ডার 0 এইটাকে দেখবো, যেটা 4 ওয়ালা ঘর আছে 4 ওয়ালা 8 ওয়ালা এমানকে সব রিমাইন্ডার 0 দেখবো, কারণ কি 4 রে ভাগ দেলে মানে তো পুরা কটি যাবে কি না কটি যাবে কটি যাবে, তুমি এই কেসটাকে পুরো 0 ধরিকি চালবে, রিমাইন্ডার 0 মানে আমি পাওয়ার 4, রিমাইন্ডার 1 মানে পাওয়ার 1, রিমাইন্ডার 2 মানে পাওয়ার 2, রিমাইন্ডার 3 মানে পাওয়ার 3 মানে ভাগশেষ 1 মানে 1 পাওয়ার নেবি, ভাগশেষ যদি 2 হলা তো পাওয়ার 2 নেবি, ভাগশেষ যদি 3 হলা তো পাওয়ার 3 নেবি, বাকি যদি ভাগশেষ 0 বাহলা তুমি পাওয়ার 4 টাকে নিয়ে চলবি আর এতকি আনসার বাহবা বুঝি হল, এটা দুই চারটা কোশ্চিন দেখমা তারপরে লাস্ট ফ্যাক্টরাইজেশন কেস দেখমা এতকি তোমার এই চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়ে যাবে হল, তো দেখ এটা এটার বেসরে দুই তিনটা কোশ্চিন দেখ হল, তো যদি মনে করো মতে কোহালা কি 324 3247 পাওয়ার 47 যদি কোয়াল 47 মুই জানুচি পুরা সবলে রিমাইন্ড সবলে করু দাও কি 0156 0156 ছিলে যাহা থাই সেটা সমান থাই 2 সরি 4 আউ 9 গুটে কেস ছিল 4 আউ 9 4 আউ 9 রে কাণ আউতলা অড ইভেন वाला কেস চালুতলা পাওয়ার অড ইভেন চালুতলা 4 আউ 9 রে পাওয়ার অড ইভেন চালুতলা চালুতলা কিনে 4 আউ 9 রে আউ বাকি যে বলি গলে মানে 2378 2378 রে চার থরে রিপিট হউতল তারপরে মি পাওয়ারটাকে যেন পাওয়ার আছে যেন উপরে পাওয়ার আছে ঘাত জেন্ডা কি কোয়া যায় এটাকে মি 4 রে ভাগ দেবে মানে এটাকে মি হরণ করবি 4 রে তো তুমি কইব কি 11 4 44 আসে যাব তো ভাগশেষ কেতে বললা ভাগশেষ যেন বললা না তাকে হি মি পাওয়ার লেখে ইউজ করবি এই নম্বরটাকে হি মি পাওয়ার লেখে ইউজ করবি কাহা 7 র তুমি 7 র পাওয়ার 3 নেলি 7 পাওয়ার 3 মানে 343 বলে আমি জানি তোমার এটি ইউনিট ডিজিট কি আসি যা 3 চার্ট দেখো নেলে তুমি জানি পকিব 7 র যদি পাওয়ার 3 আসুতলা আনসার কেতে আসুতলা কি 3 আসুতলা কি না আসুতলা দেখো 7 র পাওয়ার যদি 3 নেবি তো আনসার 3 বুঝি পড়ছো আমি কাঁ কইছি হেলা এটা আর দুইটা কি কোশ্চেনস করু তারপরে ফ্যাক্টর দেখমা ফ্যাক্টর দেখলা পরে এন্ড হইবা হেলা কি না হেলা টিকে পেশেন্স রাখো হেলা কি না মুই যাউছি কি পুরা কনসেপ্টটা পুরা বুঝি যাও বলছে হেলা কি না দেখো যদি মনে করো ফের আগে কোশ্চিন দিয়ে হলা কি 22 র পাওয়ার 23 22 র পাওয়ার 23 তো তুমি কইব কি এই পাওয়ারটাকে আমি কা করবি 4 এ ডিভাইড দেবি 4 রে ভাগ দেলা পরে মো রিমাইন্ডার কেতে আসে যদি আমি 23 টাকে 4 রে হরণ করলি তো তুমি কইব না 4 5 20 আউ 3 বলি পড়বা 3 মো রিমাইন্ডার হবা কি না যদি 3 রিমাইন্ডার হলা তুমি কা করবি 2 র পাওয়ারটাকে 3 বসাইবি 2 র পাওয়ার 3 মানে আসবা 8 তো তুমি কইব কি এই কেসরে যেতবেলে সলভ করবি তো তোমার ইউনিট ডিজিট হই যাবা কেতে 8 হই যাবা এতকি বুঝি পারুছো হেলা এটা তো এখন নেক্সট কনসেপ্ট দেখমা নাই আউ গুটে কেতে কোশ্চেন করু গুটে কেতে কোশ্চেনস করু বহুত ভালসে বুঝো ফার্স্টে যদি মনে করো আমি কইলি কি 128 র পাওয়ার 128 র পাওয়ার
1229 जदि मन कर मुझे कहली एति बड़ नंबर जदि कहला आपको बाकी ये यूनिट डिजिट बाहर करके बत तो यूनिट डिजिट बाहर करवा लगे मुझे कहूँ कि जितेबाला तुम देख दुई तीन सात आठ आसूर प्रति चार थर रिपीट हुए चार थर रिपीट है मैंने मुझे ऊपर नंबर टाइम देखी पावर टा चार डिवाइड होगा कि चार डिवाइड हबार लगे मत खाली लास्ट टू डिजिट नंबर दरकार तो जदि दुईटा डिजिट नंबर लास्ट 29 है यहाँ के चार डिवाइड करी तो सात चौ 28 हो गला तो यही केस रिमाइंडर के बढ़वा एक रिमाइंडर के बढ़वा एक जदि भाग शेष एक बढ़ला तुम्हें कौन कर मोर सेकेंड प्रोसेस आठ रवर टा के खाली एक नहींदेवि आठ रवर टा के एक आठ एक आठ मैंने तुम आंसर के आठ एक आठ नहीं खाली आठ ही लिखाई थोड़े ही तो आठ थी तुम आंसर के एट तुमने 128 रवर जब 1229 रहा तो ये यूनिट डिजिट के आसवा एट तुम यूनिट डिजिट हो बुझेगा यहाँ चलो एक लास्ट कनसेप्ट जीवा जेनटा कि फैक्टर और ये सरले सर बुझेगा कि नहीं तो फैक्टर देख एक देखा फैक्टर जेनटा कि फैक्टोरियाल कह हुए फैक्टोरियल सैन देखी तो एंता गोटे छाए कहीं फैक्टोरियल सैन तो ये देखा जी मन कर वन फैक्टोरियल कह वन फैक्टोरियल कह तार मैंने कौन वन रि फैक्टोरियल कह मैंने खाली वन टाके ही लिखाई जदि टू रैक्टोरियाल कह तुम कह कि टू इंटू वन होटा के फैक्टोरियल सैन कह जो थ्री रैक्टोरियाल कह तो तुम कह कि थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाए जितेबाला फोर रैक्टोरियाल कह से हुए फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन जदि फाइव रैक्टोरियाल कह तुम कह कि फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन होता ही चली थी जदि मुझे सिक्स रैक्टोरियाल कह तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यहाँ फैक्टोरियाल तुम्हें कौन कह पारे चाहूँ देख जो फैक्टोरियाल केस आसूँ जो फैक्टोरियाल केस आसूँ एक फैक्टोरियाल कह मैंने तो तुम एक लिख दुई फैक्टोरियाल कह दुई एक के दुई तीन फैक्टोरियाल कह तीन दुगुण गला छ ये आसवा के चौबीस ये आसवा एक सौ कोड़े ये आसवा बार छक बास्तरी मैंने सात सौ कोड़े तुम्हें क्या कहो बुझ तारे जितकी भी फैक्टोरियाल आसवे ना तारे जितकी भी फैक्टोरियाल सात आठ नौ दस तुम्हें दुनिया के फैक्टोरियाल लिखी दियो तार जो आंसर बाहर कब ना लास्ट घरे जीरो थी लास्ट घरे के जीरो थी कहीं वन्स जीरो फॉर्मेशन है गुणन कर चलो तो जीरो होते जा सब नंबर लास्ट में जीरो गोटे गोटे रही रही चलवा तो मैंने बुझे तो एक फैक्टोरियाल जो दुई फैक्टोरियाल कहली तो मैंने एक्सट्रा मल्टीप्लाई टू कली टू फैक्टोरियाल जो थ्री फैक्टोरियाल कह मैंने एक्सट्रा मुझे थ्री मल्टीप्लाए करूँ और ये फोर मल्टीप्लाए होटी आसला फाइव मल्टीप्लाए है ये आसवा सिक्स मल्टीप्लाए हे तमें ऊपर फैक्टोरियाल सागर आगे नंबर मल्टीप्लाए चलु आंस जो जीरो आसला तो मैंने कंटिन्यूस तले कैरी फॉरवर्ड जीरो आसुवे ही आसुवे ना के भी हुए ना कि जीरो नहीं आसो है तो ये ना यहाँ इजी हो जाए आम आम कौन करवा कि आम जानचु कि पाँच फैक्टोरियाल लेखा है मान पाँच फैक्टोरियाल लेखा मान लास्ट नंबर टा जीरो है कि ना देख तो पाँच फैक्टोरियाल लेखा है मैंने जीरो है जी मन कर सही हिसाब से मुझे 125 फैक्टोरियाल कहली तुम्हें कहो कि 125 फैक्टोरियाल जो कह जहाँ भी नंबर थो जहाँ भी नंबर गुणन फुणन नहीं कि आसन लास्ट तो जीरो रहा इतनी कनफर्म लास्ट जीरो रहा कनफर्म आम एटा भी तो पढ़ीचू ना नंबर अफ जीरो जाइए देख कराई नंबर अफ जीरो 125 फैक्टोरियाल थी तो कत लास्ट जीरो आसवा तो ये जीरो आसूँ आसवा ही आसवा पाँच फैक्टोरियाल तले आसा तो समस्त जीरो जीरो लास्ट आसवे जी मन कर मुझे कहली कि 9736 तार फैक्टोरियाल तो ये भी तो लास्ट जीरो आसवा तार मैंने कि पाँच फैक्टोरियाल जब तले जितकी भी बड़ नंबर ने पाँच फैक्टोरियाल जेन भी नंबर नौ तार फैक्टोरियाल जब कर भी लास्ट रे तार यूनिट डिजिट रे जीरो थीबा ही थीबा हला तो ये मुझे कहाँ कहूँ देख फास्ट तो फास्ट टाइप रखमा ये जदि मन कर कहुवा कि तले फैक्टोरियाल दिहाई तले फैक्टोरियाल दिहाई ऊपर खाली नंबर दिहाई तले फैक्टोरियाल दिहा उपरे खाली नंबर दिहा फास्ट यही केसटा देख है कि जेनता कि मन कर ये मतलब कहला कि 723 फैक्टोरियाल तार पावर है 49 तुम्हें कहो कि ये जदि फैक्टोरियाल आसला तो ये नंबर टा के जितेबाला मुझे सल्व करी तो लास्ट जीरो थी कि नहीं था लास्ट कनफर्म जीरो थी आउ पवार आसला 49
ये नंबर टा के सॉल्व कर माने बुझु तो 723 इनटू 722 इनटू 721 इनटू 720 एंदा मल्टीप्लाई करी करी के पूरे लास्ट तक एक तक आसे हैला कि तो जदी एबले गुणन करबो तो गुणन कला पर गुटे नंबर आसे माने लास्ट तक ता शून्य थिबा आ शून्य रो जदी पावर किछि भी थाए तो एडी आंसर सब बेले केते आसे 0 आंसर केते आसबा 0 तो तुम कहबो कि जदी एत्ते बड़ बड़ नंबर फैक्टोरियल को हाबा तो तुम्हें आंसर सीधा लिखि पारबो 0 एडी आंसर केते लिखि पारबो सीधा सीधा 0 लिखि पारबो हैला कि नैला बाकी आउ गुटे भी केस असे आउ गुटे केस केना असे तळे गुटे होल नंबर दिया हितवा ऊपर फैक्टोरियल दिया हितवा ऊपर नंबर रो फैक्टोरियल दिया हितवा एई टाइप रो भी गुटे केस असे तो नंबर फैक्टोरियल दिया हितवा ऊपर पावर दिया हितवा तो 5 रो फैक्टोरियल जदि ऊपर के गला तो तमे डायरेक्ट आंसर कोई पारबो के 0 होबा बाकी जदि 5 रो फैक्टोरियल तळे आसला मने कर एडी को हाइता कि 4 रो फैक्टोरियल आ तार पावर जदि 96 आला तार पावर जदि 96 हला तुम इटा के 4 धरि कि नै जाय मिटा केते नेबी 4 रो फैक्टोरियल माने केते कि 24 4 रो फैक्टोरियल माने 24 तुम ए नंबर टा के लिखबी 24 आ तार पर लिखबी 96 तार पर लिखबी 96 आ तार पर तुम जानो कि 4 आ 9 रो तो युग्म अयुग्म केस चलतले बाकी 4 रो जदी पावर टा इवन जदी अछि युग्म संख्या अछि तो तुम्हार आंसर केते आसबा 6 आसबा 4 रो पावर 2 बसे कि देखो आंसर आसीबा 6 तो एतार यूनिट डिजिट केते आसबा 6 एतार यूनिट डिजिट आसीबा हला तो बाकी जदि एही केस देखा गला जदि अलगा केस किछि देखा गला जेंदा कि मैं आउ तुमको बतौ जे हला तो जेंदा तळे जहा भी नंबर गुटे दिया आइतबा तळे गुटे नंबर दिया आइतबा तळे फैक्टोरियल दिया होने बाकी ऊपर नंबर ऑफ फैक्टोरियल दिया आइतबा जदि एंता केस जदि दियाला हला कि आउ एग्जांपल दउ छ जदि मन करो मते कहला कि 725 रो पावर 97 रो फैक्टोरियल तो तुम्हें यही केस तो जाचो कि 5 रो जदि यूनिट डिजिट 5 अच्छी आ तार पावर दुनिया कि नंबर थो तो आंसर तो डायरेक्ट 5 आसीजाला कि जदि ये मुझे कहूँ कि 729 रो पावर जदि 97 रो फैक्टोरियल थी मुझे कौन कौन बुझ जिते भी फैक्टोरियल 9 आउ 4 वाला केस रे 9 आउ 4 वाला केस रे जदि ये 724 भी थी तार पावर भी 97 रो फैक्टोरियल 9 आउ 4 वाला केस रे सबले ऑड इवेन चले सबले काने चले ऑड इवेन जेतकि भी फैक्टोरियल रो आंसर बाहरुची देखो तो केनसीटा भी फास्ट एक टाके छाड़ी देले बाकी जेतकि भी आंसर बाहरुची केनसीटा भी अयुग्म संख्या लेके तुमके दिसुची 2 6 24 120 एरा केनसीटा अयुग्म लेके देखाउची सब इवेन आसबे ही आसबे कांजे कि 2 जदी केनसी भी नंबर संगे गुण होय गला तार माने से युग्म संख्या प्रोड्यूस करबा ही करबा तो देखो सब जगह आसले कि नहीं आसले इवेन तो जदि 4 आउ 9 वाला केस आसला तो तुम्हें जानो कि डायरेक्ट तार इवेन पावर लिख जहाँ भी ऊपर फैक्टोरियल दिया हो ऊपर जहाँ भी फैक्टोरियल दिया हो तो मैं इवेन पावर लिखी तो 4 रो इवेन पावर जदि थी वाले के देवे तो हो जाए 4 रो स्क्वायर सीधा बाबा लिख जदि 9 रो कुआ हो तो 9 रो स्क्वायर के हुए 9 81 तो 1 लिख बस सोलह आंसर बुझे कि नहीं गला यूनिट डिजिट तार आगे देखा आ जदि मन करो ए दुटा एटा तो इजी इजी थिला बाकी जदि एखन क्वेश्चन टिके अलगा दिया बा जेना कि 2378 रु जदि क्वेश्चन आसवा मन करो एडी क्वाइट था कि 723 रो पावर 97 रो फैक्टोरियल जदि एखन एंदा क्वाइट हेले काना हित आमी जानि जोटा प्रति चारथरे रिपीट आसे प्रति चारथरे रिपीट आसबा कि नै आसे तार माने प्रति चारथरे जदि रिपीट आसला त मी एटा देखबि ना पावर टा 4 रे कटुचि कि नै पावर टा 4 रे कटुचि कि नै मुई कहू छी कि 97 जदि फैक्टोरियल लिखाई छी तो 97 96 एंदा कम हे 5 4 3 2 1 थीबा कि नै कि एक तो थीबा जदि मुई एटा नंबर टा के 4 रे काटबी तो मते बताओ 4 टा कटि जीबा कि नै कटे तार माने हला कि 4 रो फैक्टोरियल रु जेतकी भी नंबर तुमके तळे जाओ 4 रो फैक्टोरियल रु जे नंबर भी तळे जाओ 4 फैक्टोरियल तो सबु नंबर डिविजिबल बाय 4 हेबे डिविजिबल बाय 4 हेबे हेबे कि नहीं कि देखो तो एटी भी 4 कटवा एटी भी 4 कटवा एटी भी 4 कटवा जितकी भी नंबर आनो सब 4 कटवे 4 फैक्टोरियल तले 4 फैक्टोरियल तले माने 4 फैक्टोरियल बड़ फैक्टोरियल 4 रु 5 6 7 8 9 10 जहाँ भी नौ तो समस्ते 4 कटवे तुम्हें कह कि यहाँ भी जो 4 फैक्टोरियल बड़ अच्छे 4 फैक्टोरियल आगे जी भी रही है सब 4 कटवे तारे ये 4 कटवा तुम्हें 3 पावर डायरेक्ट के बसेबी 3 पावर 4 जदि कटि जाऊँगी तो 4 बसेबी मन पड़ू से जिनसा तो 3 पावर जदि कटि जाऊँगी तुम्हें केसेबी
चार बोल कि बसई कि चलबे जेनता कि ये देख आम चार्टे पढ़ी ना जदि तीन पवार जदि चार रहा आंसर के वन तीन पवार जे मैंने कटि जाऊते डिवाइड होते जेनता कि चार कटूला आठ भी कटूला बार भी कटूला है कि बार भी कटूला षोह भी कटूला चौबीस भी कटूला चार भी कटूला है कि तो देख तो सही वन वन आसूले कि नहीं वन 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 आसूले तो यही केस तुम आंसर के केस तुम आंसर है फोर जीरो पावर फोर मैंने आंसर है फोर कहीं ये चार कटूँ तो डायरेक्ट मुझे पावर टा चार बस भी चार कटला मैंने कहना है ये रिमाइंडर मोर जीरो आसवा आउ रिमाइंडर जीरो मैंने पावर फोर बसवा ही बसवा ये तीन टाके तीन लिखिली रिमाइंडर जीरो लगे बोल कि पावर टा फोर बसैली आउ थ्री पावर फोर तुम कैलकुलेट करदेव कि आंसर के फोर आसवा जो हमारी तीन पावर फोर तीन टाके चार थर गुणन करके देखिदि तीन तीन नौ नौ तीन सतैस है तो सात आसला सरी चार ने एक आसवा सात एक आसवा क्या आसवा वन आसवा ये वन आस बोधे ये देख तीन पर जब चार नौ तो कैसे आसूस वन आस है तो देख मुई भी नहीं सब मन करा है बुझी पार्छ कहीं जहाँ आसवा डायरेक्ट से ही अप्लाई करके आंसर लिखा हुए ये चार्ट ये सब किए मन करवा है तो ये आंसर कैसे आसवा वन आसवा तो चार्ट बिलकुल मन नहीं कर ये केंटू आसूस खाली तुम यहाँ जान है कि निजे तो लेखिक बाहर करदेव आराम से इतनी बुझे लगे है तो एमता ही क्वेश्चन आम करेमा आज यूनिट डिजिट जहाँ भी कनसेप्ट थी तुमको सब बतईदी है तो वीडियो के एंता ही देखुता आउ एखे कण कि आम सब चैप्टर मैंने प्रियमदा क्लासेस कण हाँ प्रियमदा ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल सब ही क्लास तुम हाँ जेनता कि हाँ कंप्यूटर भी क्लास हाँ रिजनिंग क्लास हाँ इंग्लीश क्लास हाँ आरिथमेटिक भी होता एखे जिके भी हाँ बुझे कि नहीं तो एक्जाम लगे तुम जहाँ दरकार सब हाँ बुझीपाल तो खाली ट्रस्ट रखी था आउ ये सब क्वेश्चन जो आम क्यूओडी कराऊ क्यूओडी मिस नहीं कर बुझीपाल कि नहीं कि तुम जेनता कि कनसेप्ट अफ द डे जेन कराऊे सब मिस कर ना जितकी भी प्रिवियस ईयर क्वेश्चन कराऊ तो बिल्कुल भी मिस कर ना ठीक अच्छे तो कहीं ना वीडियो देखी देखिए चलु था भल लगवा तो सेयार भी करता कहीं सब पिला कंटेन्ट पहुँचवा कथ ठीक अच्छे और वीडियो के पेसेंसफुली देखी थी बहुत सारा थैंक्स।